गुजरात में 5 सालों से फर्जी कोर्ट चला रहा था जज। गुजरात के गांधीनगर में एक शख्स ने फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया, खुद को उसका जज बताया और गांधीनगर में बने अपने ऑफिस में असली अदालत जैसा माहौल बनाते हुए फैसले भी सुनाए। आरोपी का नाम मॉरिस सैमुअल है। बतौर आर्बिट्रेटर नकली जज मॉरिस ने करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन अपने नाम कर ऑर्डर पारित किए। हैरानी की बात यह है कि ये फर्जी कोर्ट पिछले 5 सालों से चल रहा था। फिलहाल अहमदाबाद पुलिस ने मॉरिस को नकली जज बनकर लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी मॉरिस के साथ वकील बनकर खड़े होते थे ताकि कार्रवाई असली लगे। मॉरिस उन लोगों को फंसाता था जिनके जमीनी विवाद के केस शहर के सिविल कोर्ट में पेंडिंग होते थे। वो अपने वकीलों से मामलों को सुलझाने के लिए फीस के तौर पर पैसा लेता था। इसके अलावा मॉरिस खुद को कोर्ट से नियुक्त किया गया आधिकारिक मध्यस्थ बताता था। इस तरकीब से आरोपी मॉरिस 11 से ज्यादा मामले अपने पक्ष में ऑर्डर पारित कर चुका था। एक मामला जिला कलेक्टर के अधीन एक सरकारी जमीन से जुड़ा था। उसके फर्जी वकील ने इस पर दावा किया और इलाके की जमीन के लिए सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज करवाने की कोशिश की। मॉरिस ने कहा कि उसे सरकार के मध्यस्थ बनाया गया है। इसके बाद जज ने फर्जी अदालती कार्रवाई शुरू की। अपने मुवक्किल के पक्ष में एक आदेश दिया जिसमें कलेक्टर को उस जमीन के दस्तावेजों से मुवक्किल का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। आदेश को लागू करने के लिए मॉरिस ने दूसरे वकील के जरिए सिविल कोर्ट में अपील की। वही कोर्ट के रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई को पता चला कि ना तो मॉरिस मध्यस्थ है और ना ही न्यायाधिकरण का आदेश असली है। उन्होंने करंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद ठग के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसकी फर्जी अदालत का भांडा फोड़ दिया गया। माठक किरण पटेल गुजरात में इससे पहले 2023 में खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताने वाले किरण पटेल का मामला भी सुर्खियों में रहा था। अहमदाबाद पुलिस ने किरण पटेल और उसकी पत्नी मालिनी के खिलाफ 22 मार्च को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। दोनों ने मंत्री का बंगला रेनोवेशन करवाने के नाम पर लिया था और इसके बाद फर्जी कागजात से उस पर कब्जा कर लिया। किरण पटेल खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। इतना ही नहीं, वो जेड प्लस सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ एसयूवी के साथ चलता था और हमेशा 5-स्टार होटल में ही ठहरता था। गिरफ्तारी के वक्त पटेल ने कहा कि उसे केंद्र सरकार ने दक्षिण कश्मीर में सेब के बाग खरीदने वालों की पहचान कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है।